हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इक्विटी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद एक लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ब्रीडिंग केज नए टाइप का बना रहा था, जो हम बकेट लेके आता है, उससे भी अच्छा आइडिया है ये। तो उसके अंदर थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था, तो इसलिए मेरे को लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ रही। तो इसमें जो है, मैं जो ब्रीडिंग कराऊंगा, तो वो मेरे जो ये जेड ब्लैक मेल्स है, ये है इनके साथ की मैं फीमेल्स ले आता, तो इनको भी आलमंड लीफ के पानी में रख रखा है, और उसमें मिथिलेन ब्लू भी डाल रखे। तो इनकी मैं ब्रीडिंग कराऊंगा उसके अंदर, और वो केज आपको दिखा देता हूँ किस तरह से बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, तो इसमें ये आप देख सकते हैं कितनी बारीक जो नेट है, तो इसमें से फ्राइज निकल जाते हैं, और वो जो मेल फीमेल से वो अंदर रहते हैं। तो ये मैंने इसका साइज बता देता हूँ मैं, ये 15 इंचेस बाय 8 इंचेस बाय 7 इंचेस का है। तो आप साइज अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जो आपके टैंक के अंदर जो सुटेबल रहे। तो इसके अंदर आप आराम से जो है 4 पेयर रख सकते हैं, 4 पेयर की ब्रीडिंग करा सकते हैं, बट आपको सेम वैरायटी के ही रखने पड़ेंगे, सेम स्टैंड के ही रखने पड़ेंगे, वरना मिक्स ब्रीड हो जाएगी। और इसके मैं बता देता हूँ, मैं ये लेके आया था, ये वाली नेट है, तो ये मैं अप्रोक्स 100 रुपीज़ के पीस लेके आया था। ये आप देख सकते हैं इसके होल्स, तो ये मेरे को पड़ी थी पूरी 100 रुपीज़ की। ये थी 1 मीटर, 1 मीटर लंबी और 4 फुट जो है इसकी चौड़ाई थी। तो अप्रोक्स इसमें आपके 4 से 5 केजेस ऐसे बन सकते हैं। तो अभी आपको मैं फोटो डाल देता हूँ डायमेंशन की, तो ये आपको फोटो दिख रही होगी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसकी जो लंबाई है वो 15 इंचेस है, और चौड़ाई जो है इसकी जो है आपको दिख रही होगी 7 इंचेस, और हाइट इसकी भी 7 इंचेस है। तो ये आप देख सकते हैं 8 इंचेस 7 इंचेस जो भी आपको रखनी हो। तो मैंने 1 इंचेस थोड़ी बढ़ा के ले ली थी हाइट, जैसे कि पानी के ऊपर रहे और 7 इंचेस पानी के अंदर रहे, 7 इंचेस की डेप्थ मिल सके इनको। तो और इसको जो है, इसका सबसे बढ़िया मैं जुगाड़ बताता हूँ, आप कुछ भी प्रोसेस करो उससे अच्छा, आप या तो जो थर्माकोल रहता है बारीक दाने वाला, वो थर्माकोल ले लीजिए, वरना ये आपको दिख रहा होगा, ये दिखा देता हूँ आपको, ये ऐसे जो ये फॉर्म शीट आती है मोटी, इसके ऐसे स्लाइसेस काट सकते हैं। ये आपको इजीली, मतलब या तो जहाँ पे आप कबाड़ बेच के आते हैं उनके मिल जाएगा, क्योंकि ये कूलर या फ्रिज के साथ आता है। तो ऐसे फॉर्म लेके आपको इसमें ऐसे लगाते हैं। अब ये लगाना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ आपको ऐसे यू शेप के अंदर मेटल की ये जो वायर रहते हैं, 1 सेकेंड, मेटल के वायर रहते हैं, ऐसे यू शेप का बना लेना है, और फिर इसको आपको अंदर रखना है कुछ ऐसे। 1 सेकेंड, मैं आपको लगा के ही दिखा देता हूँ। तो जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी, उसके अंदर आपको जो चारों कोने हैं उनको जो है ऐसे जोड़ के, और जो आपके पास जो धागा रहता है वो तो डाइल्यूट रहता है पानी के अंदर, ऐसे जो ये रहता है हमारे जो प्लास्टिक का धागा रहता है, उससे आपको थोड़ा सिल लेना है चारों तरफ से। तो ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ से ऐसा सिल लिया है। और अब इसका जो जुगाड़ है वो ये है कि ये जो मैंने आपको फॉर्म बताया, ये इसलिए लगाना है जिससे कि हम इसको पानी के अंदर छोड़ेंगे तो ये फॉर्म के कारण ये ऊपर फ्लोट होता रहेगा, और पानी का अगर लेवल कम होता है धूप के अंदर जो पानी उड़ के, तो उससे जो है ये अपने आप पानी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। तो ये लगाने का तरीका जो आपको बताया मैंने, ऐसे आपको जो है इसकी स्लाइसें काट लेनी है, जो फॉर्म शीट रहती है या फिर थर्माकोल रहता है, और जो ये क्लिप्स मैंने बनाई थी, ये क्लिप्स, ये आपको क्या करना है, ऐसे थर्माकोल जो भी आप शीट लगाएंगे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा जितनी आपको डेप्थ चाहिए पानी की, तो ऐसे लगा के, और साइड से जो है इसके अंदर आपको होल तो इसमें ऑलरेडी है तो वो आप देख लीजिए, और ऐसे करके आपको ये लगा देना है इसके अंदर पिंस। तो ये पिंस है ये इसमें, ऐसे ही पिंस लग जाएगी, तो इससे ये रुका भी रहेगा, और दूसरी पिन भी लगा देता हूँ इसमें। तो ये दोनों पिन ऐसे लग गई है, तो ये आराम से अब फ्लोट रहता है। इसको मैं लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। टैंक के अंदर ही मैं ये ब्रीडिंग केज सेट करूंगा, और इसका एक और चीज़ आपको बता दूं, जिससे कि ये केज इधर उधर हिले नहीं, तो ऐसा एक साइड आप सक्शन कप लगा सकते हैं, जिससे कि इस पे ग्लास पे चिपका देते हैं। तो इसको मैं सेट करता हूँ अंदर, फिर बताता हूँ। तो मैंने जो टैंक में सेट कर दिया है केज,
ये देख सकते हैं आप, तो ये अप्रॉक्स आधे से आधा, इसमें आराम से आप 4 पेयर की ब्रीडिंग करा सकते हैं। और ये जो सक्शन कप है, इससे मैंने इधर इसको लगा दिया है, तो ये अब यहाँ से हिलेगा नहीं, इसी जगह टिका रहेगा। और ये जो फॉर्म शीट है, इसके कारण ये जो फ्लोट हो रहा है इजीली, तो ये अगर इसमें पानी का लेवल कम होगा तो ये फॉर्म शीट अपने आप नीचे जाएगी, एडजस्ट हो जाएगा अपने आप केज पानी के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही आप ब्रीडिंग केज बना सकते हैं। ये आपको अप्रॉक्स एक केज 20 रुपीज़ या 20-30 रुपीज़ के अप्रॉक्स एक केज पड़ेगा। तो ऐसे ही आप बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैं जो है जेड ब्लैक जो कप्पी फिश है उनकी ब्रीडिंग कराऊंगा, उसका मैं स्टेटस अपडेट आगे दूंगा, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ऐसे ही आप करके अपने जो गप्पी फिश के फ्राइज़ हैं उनको गप्पी फिश ना खराए उससे बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें से सारे फ्राइज़ निकल के इसमें आए थे। जो मैंने बकेट लगाई थी उसका भी रिजल्ट आपको दिखाया था, उनके भी मैंने फ्राइज़ जो है ऊपर जो पॉन्ड है मेरा उसके अंदर रिलीज़ कर दिए हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। अभी इसके अंदर मैंने जो है फ़िश रिलीज़ कर दी, जो मेरी इंपोर्टेड वाली फ़ीमेल थी, इसकी मैं कंफ्यूज हूँ कि ये फ्राइज़ देगी या नहीं देगी, तो इसका चेक करते हैं। इसको मैंने अभी इसमें रिलीज़ कर दिया है एज अ टेस्टिंग के लिए। बाकी इसके अंदर जो मैं जेड ब्लैक की ही ब्रीडिंग कराऊंगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये मेरा जो आइडिया है वो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी।